अब इसी लोटी में पीसते हैं। तो दोस्तों इधर छिलका रोटी बनना शुरू हो गया है और उधर तैयारे है ना। दोस्तों अब हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। गर्मा गर्म यहाँ पे आ रहा है देसी लहसुन मिर्चा और अदरक का स्वाद आ रहा है। तो दोस्तों आलू साग दीदी बनाई थी घर वाला, तो हम लोग को घर वाला दी है और चावल भी घर वाला दी है, मतलब होटल में नहीं बनाई थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, मैं हूं नीतीश और ये मेरे दोस्त हैं अभिजीत। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं और अभिजीत आज आप लोग को लेके जाने वाले हैं और मांझी कुच्चू की तरफ, जहां पे हम लोग कुछ देसी झारखंडी खाने वाले हैं ना। जी बिल्कुल। तो चलिए हम लोग दोनों के साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहां जा रहे हैं। चलिए। कुच्चू चौक पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग और यहाँ पे देखिए हम लोग सीधे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में है अभिजीत। यहाँ पे एक मंदिर दिखा ना, बहुत खूबसूरत मंदिर बन रहा है। किसान उच्च विद्यालय। तो दोस्तों हम लोग दोनों जो जा रहे हैं बहुत इंटीरियर में चले गए हैं, बहुत गांव के अंदर, और एक रोड का नाम है झांझी टोली स्टेशन रोड, है ना अभिजीत? जी बिल्कुल। हाँ, झांझी टोली स्टेशन रोड है और हम लोग गूगल मैप का लोकेशन देंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे एक होटल है, तो चलिए पूछते हैं अंदर में क्या क्या बनता है और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा देसी अंदाज में खाना बन रहा है और हमारे पीछे में भी देख सकते हैं कि दीदी पूरा पत्री बना रही है। चलिए बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या बनाती है। जोहार दीदी। जोहार जोहार। तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं? हम लोग मिठाई बनाते हैं, पकौड़ी। अच्छा, पतंग बनाते हैं, सब बनाते हैं। हाँ, सब बनाते हैं। हाँ। अच्छा, तो ऑर्डर पे बनाते हैं ना। हाँ, ऑर्डर। जो कोई बोलता है बनाने तो बना देते हैं। बना देते। तो मुर्गा सब अपने पास रखते हैं कि लाना पड़ता है? लाना पड़ता है। लाता भी है, रखते भी है, जैसे कुछ कुछ रखते भी है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ देसी मुर्गा रहता भी है और अगर आप अपने से भी लेके आते हैं तो ये लोग बना देते हैं ना। हाँ। तो देखिए यहाँ पे तेल डाला जा रहा है। तो यहाँ पे भैया है, क्या नाम है भैया आपका? महेश बेदिया। अच्छा, और देखिए लकड़ी का चूल्हा बहुत अच्छा बनाए हैं और इधर दीदी बना रही है पतरी। ये सखुआ का है ना? हाँ। अच्छा, सखुआ का। तो ये दोना बन रहा है। ये गाँव का क्या नाम है दीदी? सागा टोली। अच्छा, जिला तो रांची पड़ता है ना? हाँ, जिला रांची पड़ता है। अच्छा, मतलब रांची से कितना किलोमीटर है? रांची से वही 25-26 किलोमीटर दूरी होगा। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे तेल डाल दिया है ना? हाँ, डाल दिया। अच्छा, तो तेल गरम हो रहा है, तो पूरा काट के रख लिए है ना। यहाँ पे प्याज रखा हुआ है और इधर। तो आज क्या रोटी बनाइएगा दीदी? अरवा चार का रोटी, छिलका रोटी। हाँ। अच्छा, तो ये भी बोलने पे बना देते हैं। हाँ। अच्छा, बोलने पे सब कुछ बना देते। हाँ, हैं ना रोटी सब। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूल्हा चल चुका है और ये देखिए बाबू भी काम कर रहा है। क्या नाम है तेरा? अंशु नाम है। ये देखिए तो इसमें क्या क्या है भैया? क्या रहेगा? प्याज है ना, लहसुन भी है। चलिए, आगे वाला मथुआ का ले लीजिए, मस्त दिखेगा। हाँ।
मसाला भी सिलौटी में पीसते है ना। सब बनाते हैं, चुआ रोटी भी बनाते हैं। क्या रोटी? चुआ रोटी। चुआ रोटी क्या होता है? गुड़ का। अच्छा, और गुलगुला भी बनाते हैं? हाँ। अच्छा, ब्रेड यही। चुआ रोटी हमको खिलाते तो नहीं? अगली बार आएंगे तो खिलाइएगा। और ये देखिए, ये बत्तख मीट है ना भैया? अच्छा, प्याज भुंजा गया क्या? अच्छा, डाल रहे ना। अच्छा, तो आज बन रहा है बत्तख मीट। पकने में कितना टाइम लगेगा भैया? कम से कम आधा घंटा। अच्छा, तो देख सकते हैं पूरा अच्छे से भुंजा रहा है। तो भैया, आप लोग ये बत्तख बनाने का कितना लेते हैं उसको बता दीजिए। एक बत्तख का 400 रुपया लेते हैं बना उना के। 400 रुपया? हाँ। और देसी मुर्गा भी बना देंगे ना? हाँ, देसी मुर्गा बना देंगे, वो तो वजन पे जाएगा, वो देसी है। हाँ। ये पिसा हुआ मसाला डाल रहे हैं ना? हाँ, पिसा हुआ है। जीरा गोलकी लहसुन आदि सब है ना? हाँ। तो दोस्तों, इधर छिलका रोटी बनना शुरू हो गया है और उधर तैयार है ना? हाँ भैया, तैयार हो। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, खाली रोटी अब हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ आपका फोन नंबर दे दीजिएगा, कोई आएंगे तो बना दीजिएगा ना? हाँ, बना देंगे। तो अगर आप में से कोई आते हैं इधर, कौन गांव बोले? सागाटोली, हिंदबेड़ी पंचायत पड़ता है। सागाटोली, सागाटोली नाम है ना? हिंदबेड़ी पंचायत। अच्छा, गूगल मैप का लोकेशन हम लोग दे देंगे, तो उसको क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। रांची से आने में आधा घंटा टाइप लगेगा ना? 45 मिनट। हाँ, 45 मिनट पूरा अंदर का होगा। तो इधर चिरंदी तरफ बहुत सुंदर बारी है पीछे में, अभी हम लोग आपको दिखाएंगे और आज उधर ही बैठ के खाएंगे। ये कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, छिलका भी बन गया है और इधर बतख भी बन गया ना, बतख मीट। हाँ, बन गया। पूरा अच्छा खुशबू आ रहा है, अच्छा बना है। अभी थोड़ा ठीक बना। और इधर देखिए, हमारे भूख लग रहा है, काफी जोर से लग रहा है। तो बस अब बन ही गया, आप खाने जाएंगे। इंतजार है उसी का। और इधर बहुत कोई बैठे हैं। जोहार सबको। ये देखिए, हाँ, ये आप लोग का आंगन है? अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये चूल्हा सब में कुछ कुछ बनाते हैं क्या? बनता है, चावल खाना सब ही। यहाँ पे आंगन में ना? अच्छा, और बारी किधर है? बारी यही सब है। अच्छा, कैसा लग रहा है अभिजीत? अच्छा लग रहा है, शहर का छोड़ा को। शांति शांति जगह। और देखिए, ये लोग बारी में बहुत कुछ लगाए हैं। और इधर भी है, क्या है? प्याज है कि लहसुन है? लहसुन है, लहसुन है। अच्छा, मटर भी लगाए हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत सुकून है यहाँ पे। और अभी हम लोग का खाना लगभग तैयार हो गया है, तो अभी हम लोग खाना इधर ही बैठ के खाएंगे, है ना? हाँ, हम इनके घर के पीछे आंगन में आ गए हैं और इस तरीके का इधर भी चूल्हा बना हुआ है। तो भैया हम लोग के लिए खाना निकाल देंगे अभी। इनके तैयार है और नीचे में भी खाना रखा हुआ है। तो ये लोग का ये पीछे आंगन है, यहीं पे पतरी में निकाल देंगे भी दीदी। तो इसमें पलटी हो रहा है, हम लोग का यहाँ पे मीट रेडी है। इसको चलाइए थोड़ा।
एकदम गरम गरम अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से। चलिए बहुत मस्त दिख रहा है एकदम। ठीक है तो हम लोग का खाने के लिए यहीं पे लगा रहे हैं। अभिजीत यहाँ पे ठीक है ना? अच्छा हाँ, तो यहाँ पे खाएंगे हम लोग। यहाँ पे चटाई बिछा दे रहे हैं और यह खटिया भी है। और दीदी के पास चावल भी था तो चावल भी है। और साग भी बनाए हैं क्या? हाँ। का साग है? आलू साग है। आलू साग, अच्छा। टमाटर दिए हैं, आलू दिए हैं, हाँ। मिक्स कर दिए। सर छिलका रोटी जो दीदी बनाई थी। तो ये है देसी झारखंडी खाना जो आज हम लोग खाने वाले हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। बैठ गए हैं। बस खाने का इंतजार नहीं हो रहा है। बहुत देर से हम लोग भूखे हैं क्या? बहुत देर हो गया। हाँ और देखिए खाना यहाँ पे लग चुका है, बस खाने वाले हैं हम लोग। शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसको परोस लेते हैं। तो दोस्तों देखिए गर्मा गर्म यहाँ पे बत्तख आ चुका है। हम लोग यहाँ पे बत्तख मीट खा रहे हैं। तो खाना हमारा परोसा जा रहा है। बस 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 बहुत अच्छा। थोड़ा ग्रेवी दे दीजिए, ग्रेवी। तो चलिए गर्मा गर्म खाना शुरू करते हैं। कैसा पका है? एकदम देसी लहसुन मिर्चा और अदरक का स्वाद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बना है ना? काफी अच्छा। छोटा छोटा पीस है ना? नहीं, हम लोग अपने अंदाज से बनाए। नहीं अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। कैसा? काफी बढ़िया है, काफी स्वादिष्ट। ऐसा लग रहा है भैया लोग का घर में मेहमान आए हैं। ना ये साग भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। आलू साग है। तो दोस्तों आलू साग दीदी बनाई थी घर वाला, तो हम लोग को घर वाला दी है। और चावल भी घर वाला दी है, मतलब होटल में नहीं बनाई थी, रोटी बनाई थी तो घर वाला दी है ना। और एकदम घर का खाना मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए इधर अभिजीत बहुत एंजॉय कर रहा है। और कैसा लगा अभिजीत? मेरे को काफी अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों अभिजीत बहुत अच्छा गाना गाता है, सिंगर है। और इसका इंस्टाग्राम का आईडी मैं डाल दूंगा और अभिजीत को आप फॉलो कर सकते हैं ना अभिजीत? तो अभिजीत आज हमारे साथ में है। यहाँ पे देसी झारखंडी खाना हम लोग खा रहे हैं। पूरा देसी माहौल है, गांव का शांति है। तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को क्या करेंगे? लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और देखते रहिएगा नीतीश एंड कुजीर।